शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है? रियली? कुरियर। यह है मिस्टर कृष्णकांत, इस घर के बुजुर्ग। अरे शर्मा जी के वहां से इनविटेशन कार्ड आया है। अरे इसमें तो मेरा नाम किशनकांत लिखा है। अरे मेरा नाम किशनकांत नहीं, कृष्णकांत है। शर्मा जी को अपनी कौन का? हाँ शर्मा जी, अरे ये क्या गलती कर दी आपने? अरे मेरा नाम कृष्णकांत है, किशनकांत नहीं। बाप रे, किसी ने इनका नाम लिखने में छोटी सी गलती क्या कर दी, ये तो भड़क गए। और ये है मिस्टर हार्दिक, कृष्णकांत के बेटे। सुन भाई, हार्दिक बोल रहा हूँ। भले ही हम पार्टनर हैं, लेकिन विजिटिंग कार्ड में पहला नाम मेरा आएगा। इन जनाब को भी अपना नाम ऊपर चाहिए। और ये है मिसेस एकता, हार्दिक जी की वाइफ, धर्मपत्नी। हेलो डियर, मैं क्या कहती हूँ, इस बार मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग चले जाना। और हाँ, गिफ्ट पे मेरा नाम जरूर लिखना, एकता, और ब्रैकेट में मेरा निकनेम, ठीक है? बाय। बोलिए, इनको अपने नाम के साथ निकनेम भी लिखवाना है? खैर छोड़िए, अब मिलते हैं इस घर के सबसे छोटे सदस्य से, क्यूट सी बच्ची गुड्डी से। मुझे क्लास में सब गुड्डी कहकर बुलाते हैं, और मेरे क्लास में तो पहले से ही एक गुड्डी है, मैंने उसको कहा तू अपना नाम बदल ले। मैं गुड्डी थी, मैं गुड्डी हूँ, मैं गुड्डी रहूँगी। दरअसल सिर्फ ये लोग ही नहीं, हम सब अपने नाम के पीछे इतने ही पागल है, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना नाम लिखवा देते हैं। जितनी होती है उससे ज्यादा ही वैल्यू कर लेते हैं अपने नाम की। लेकिन कुछ लोगों को हम उनके नाम से बुलाना ही भूल जाते हैं, जैसे कि उनका नाम रखा ही ना गया हो। बेटा ये काम वाली को दे दो ना। कचरे वाले भैया, ये कचरा ले लो ना। लेकिन इन्हीं लोगों को उनके नाम से बुलाया जाए तो? बेटा ये शिल्पा बेन को दे दो। राहुल ये ले ले। जी सर। नटू भाई दरवाजा खोलो। जैसे आपके नाम की वैल्यू है वैसे सबकी है, आगे से ध्यान रखिएगा।